हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स इन हिंदी में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्रीम लेके आऊँ जिससे आपकी स्किन पे एक्ने, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स एंड किल मुहासे हैं, और हाँ, यहाँ तक कि आपकी स्किन को जो गोरापन है निखारने में भी बहुत मदद करती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए रेड बटन पर, वो भी बिल्कुल फ्री है, और साथ इस बेल आइकन घंटे को दबाइए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप देख सकते हैं, इस क्रीम का नाम है मेमोपी एफसी क्रीम, जो कि मेडिसिन क्रीम है, जो कि आपकी ये क्रीम है आपकी स्किन को बहुत ही गोरापन देगी, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और किस तरह से आपको यूज़ करें ताकि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। आपकी ये इसका यूज़ कर रहे हो तो डेमी, तो आप सूर्य की किरणों से जाते हो तब धूप में, तो आपकी स्किन है जो लाल हो जाती है, तो क्या कारण है, क्या रीज़न है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ दोस्तों। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही इस बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, और फटाफट से आप लाइक कीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी, यानी था डिसलाइक कीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेमोपी एफसी क्रीम है जो किन किन इन्ग्रीडियंट से मिलाकर बनाई गई है, जो हाइड्रोक्विनोन है, ट्रिटोनोन है, मोनोराइजेशन और फॉट क्रीम है। तो दोस्तों, ये हाइड्रोक्विनोन है जो आपकी स्किन को गोरापन लाने में बहुत मदद करती है, और आपकी जो स्किन है उसको मुलायम बनाती है, बहुत ही कोमल, इतना बहुत ही पतला कर देती है आपकी स्किन को, जो कि सूर्य की किरणें हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है आपकी स्किन के लिए। तो डेमी इसका यूज़ मत कीजिए, क्योंकि डेमी इसका यूज़ करती हो तो हाइड्रोक्विनोन है, ट्रिटोनोन है, ये जो सूर्य की हानिकारक है बहुत ही खतरनाक है। तो आपको इसको केवल नाइट में यूज़ करना है, और एक्ने, पिंपल्स हो रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट क्रीम है, और इस क्रीम का फेयरनेस के लिए यूज मत कीजिए। और दोस्तों, आपको किस तरह से आप यूज़ कीज करना है आपको, तो दोस्तों आपको नाइट में सोने से पहले करना है, आपको अच्छे से फेस वाश से आपकी स्किन को साफ कीजिए, उसके बाद में सिर्फ एक बार इस तरह से आपको क्रीम को, आप देख सकते हैं इस तरह की ये क्रीम आती है, ठीक है, और एक बार ही आपको इस तरह से स्किन पर लगाना, सिर्फ एक बार ही पूरी स्किन के ऊपर, उसके बाद में पूरी नाइट इसको लगे रहने देना, और सुबह आपको गुनगुने पानी से आप स्किन को साफ कीजिए, और गुलाब जल का यूज़ कीजिए, और डे में आपको दोस्तों इस सन स्क्रीन का जरूर यूज़ करना है, क्योंकि ये सूर्य के हानिकारक किरण है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेकार हो सकती है, और आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट भी ला सकती है, पहले से बेकार स्किन बना सकती है। तो आपको सन स्क्रीन का यूज़ करना है, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, और इसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं सनस्क्रीन को भी, ताकि आपकी जो स्किन है वो कालापना दिखाए और फेयरनेस में भी मदद करती है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी की भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी, वहाँ से जाकर आप इसको प्राइस कर सकते हैं, और मार्केट से जाते हो तो इसकी प्राइस अधिक लगेगी, और अगर लिंक से आप प्रोडक्ट को मंगा रहे हो तो उसकी जो प्राइस है वो कम, बहुत ही कम लगेगी। तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक डाल दी है सनस्क्रीन की भी, और इसकी वीडियो मैंने बनाई है, तो आपको वीडियो के अंत में जो स्क्रीन पे शो करेगी आप देख सकते हैं इसको कौन सी सनस्क्रीन आपको यूज़ करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी मैं प्राइस भी बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग 90 या 100 रुपये इसकी प्राइस रहेगी, और ये कितने ग्राम की ट्यूब आती है लगभग आपको ये देख सकते हैं आप, तो दोस्तों ये 15 ग्राम की ये ट्यूब आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख नहीं रहा, और यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट आपको देख सकते हैं यहाँ पे 24 मंथ यानी 2 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट रहेगी। आप इसको खरीद रहे हो तो इसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखना, और वीडियो के नीचे है तो लिंक पर क्लिक करते हो तो न्यू प्रोडक्ट ये आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और ये निखाने बहुत, और अगर आपको फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ये मेडिसिन क्रीम है और ये गोरापन तो देती है, उसके बाद में आपकी स्किन को बहुत बेकार बना देती है, और इसका यूज़ कर रहे हो तो सनस्क्रीन का यूज कीजिए। आपको किस तरह से यूज़ कर रहे हो उसके बाद में इस क्रीम को किस तरह से छुटकारा पाएँ, तो मैं अगली वीडियो में बताऊँ किस तरह से आप लगभग आपको इसको 15 दिन या 1 महीने तक की यूज़ कीजिए, उसके बाद में छोड़ देना है, और कौन सी फेयरनेस क्रीम का यूज़ करना है। तो इसी चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो इसी चैनल पर मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।